वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस के इस न्यूज बुलेटिन। यहां हम बात करेंगे नंबर वन, आज की टॉप जो हेडलाइंस हैं वो क्या है। जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों के माइंड में एक सवाल होगा, क्या एक साल और ड्रॉप किया जाए, क्या एक साल फिर से तैयारी की जाए। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे इस विषय पर। सेकेंड, जिन बच्चों का जेईई एडवांस में आ चुका है वो किस तरीके से जोसा की काउंसलिंग जो चल रही है उस पर अपनी च्वाइसेस फिल करें। थर्ड, सर अगर मैं ये चाहूं कि ना तो मैं इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलरली बीटेक के लिए जाऊं, ना मैं नीट के लिए पर्टिकुलरली एमबीबीएस के लिए जाऊं, मैं सिंपल अगर बीएससी करता हूं तो मेरे लिए क्या करियर ऑप्शन होंगे। देन अगर मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं, मेरे पास साइंस नहीं है, या मैं ह्यूमैनिटीज के अंदर हूं, मेरे पास कॉमर्स भी नहीं है, मैं सीए भी नहीं कर सकता, देन मेरे पास क्या करियर ऑप्शन होंगे। तो आज के बुलेटिन में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डीजेस क्लासेस आपके लिए एवरी फ्राइडे एक न्यूज बुलेटिन लेकर आता है। इस बुलेटिन के अंदर हम बात करेंगे न्यूज वो जो आपके लिए रेलेवेंट है, न्यूज वो जो आपका करियर और फ्यूचर बनाएंगे। यहां पर कोई डिबेट नहीं हो रही, यहां पर जो डिबेट भी होगी वो भी सिर्फ आपके करियर के लिए होगी। रेलेवेंट न्यूज स्टूडेंट्स के लिए, कौन से जॉब फॉर्म निकल रहे हैं, कौन से एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्ट्रेटेजी होगी और क्या डिफरेंट करियर ऑप्शन होंगे, ये हम सब ये बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक कीजिए। तो आज का पहला हमारा बुलेटिन का जो पहला सेगमेंट है, वहां हम बात करेंगे जेईई एडवांस के बारे में। जिन बच्चों का जेईई एडवांस क्लियर नहीं हुआ है उनके माइंड में एक ऐसा सवाल होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि हम एक साल और अपनी लाइफ का एक और साल इस पेपर के लिए, इस एग्जाम के लिए लगाएं। दोस्तों, अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन आप लेंगे वो आपके करियर को, आपके फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। करियर में कोई भी डिसीजन इमोशनल होके मत लेना, प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप डेली 12 घंटे के आसपास बैठकर स्टडी कर सकते हैं तो आप एक साल अपने जिंदगी का और लगा लीजिए। 1 वीक दीजिए चेक करने के लिए, बैठिए पढ़ने के लिए, 4 आवर्स की एक सेटिंग, 4 घंटे की एक सेटिंग, और ऐसे एटलीस्ट 3 सेटिंग अगर आप पर डे दे सकते हैं तो हाँ यारो, आप एक साल और लगा सकते हैं। परेशानियां आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे एक साल अगर आप एफर्ट दे रहे हैं तो पूरे जी जान से देना, तैयारी करना। तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए वो टीचर्स क्लासेस के आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे आपको वो चीज मिल जाएगी, बट अगर आप एफर्ट देंगे, आप पूरी स्ट्रेटेजी से जाएंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी कॉलेज, कोई भी डिग्री ये एक इंसान को नहीं बनाती। एक इंसान होता है जो अपने आप को अपनी चॉइसेस के थ्रू, अपनी एफर्ट के थ्रू बिल्ड करता है, डेवलप करता है। सेकेंड सेक्शन, सर अगर मैं एमबीबीएस नहीं करना चाहता, मैं बीटेक नहीं करना चाहता, मैं सिंपल बीएससी करना चाहता हूं, और क्या हो कि अगर मैं बीएससी करूं तो क्या मेरा करियर बिल्ड होगा। दोस्तों, बिल्कुल होगा। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो नोट कीजिए, अगर आप बीएससी करते हैं फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी के अंदर, तो आप बीएससी के बाद कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनको देकर अपना करियर आगे अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। नंबर वन है IIT JAM, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc। आप अपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को IIT से कर सकते हैं। अगर आपको लगता था कि IIT सिर्फ बीटेक कराती है तो वो गलत है। IIT MSc भी कराती है, बट अपना एक एग्जाम लेती है और वो एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल होता है। और अगर आपको लगता है कि आप अपने बीएससी के अंदर पूरा फोकस होकर पढ़ सकते हैं, प्योर साइंस में आप दम लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि यार कुछ और डिफरेंट कोर्सेज के अंदर MSc की जाए, तो यारो एक एग्जाम और है, TIFR, आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक बहुत अच्छा हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी,
नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, आप इनमें भी अपना एमएससी कर सकते हैं और अपना करियर बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो प्योर साइंसेज के अंदर भी बहुत अच्छे करियर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और प्योर साइंस के अंदर करियर की जानकारी दी जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं जल्दी उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि अभी तक मैंने सिर्फ साइंस की बात करी है तो कॉमर्स के बच्चों के लिए देखिए, सीए तो आप जानते हैं, ह्यूमैनिटीज में बच्चे कई बार इकोनॉमिक्स लेते हैं, तो इस सेक्शन में बात कर रहा हूं मैं इकोनॉमिक्स के करियर के बारे में। एक बहुत अच्छा करियर है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए हुआ तो मैं दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। बट है क्या दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वही दे सकता है जिसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो इकोनॉमिक्स। देखिए कितना पर्टिकुलर है, इतनी अच्छी जॉब आपको मिल रही है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप भागते हैं, आप आईईएस का एग्जाम भी दे सकते हैं बशर्ते आपके पास इकोनॉमिक्स के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। दोस्तों बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर आप बात करते हैं, आप जरा चेक कीजिएगा एलुमनाइ के अंदर आपको बहुत प्रोमिनेंट नेम मिलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी भी। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स आने वाले टाइम के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डेटा साइंस में बहुत यूज होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। आपने नाम सुना होगा एलुमनाइ, आप देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। सो बच्चों, एक ये बहुत अच्छा आपका करियर ऑप्शन बन सकता है अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर अपना करियर फोकस करते हैं तो। IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आप चाहते हैं इसके बारे में और डिटेल जानना तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों डीजीएस क्लासेस में हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपने करियर को लेकर ज्यादा अलर्ट हो जाए, ज्यादा अवेयर हो जाए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अवेयर हैं तो आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है, आप एफर्ट देना ही नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपके लिए इस चैनल पे मैं बहुत सारे अब ऐसे कोर्सेज लेकर आ रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज अपने करियर को भी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ये न्यूज बुलेटिन भी एक उसी दिशा में कदम है जहां आपको अवेयर किया जाएगा कौन से एग्जाम आ रहे हैं, कैसे आप उसको दे सकते हैं। बच्चों अभी मैंने जो बीएससी और अपना इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी, आप देखेंगे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी आ गया है और एडमिशन प्रोसेस चालू है, तो आप वहां भी देख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरा परसेंटेज थोड़ा पीछे है तो आप वो भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप करियर फ्रेम करेंगे। घबराओ नहीं, एक मोर्चे पर हार जाना जंग हारना नहीं होता। बाई चांस अगर मेरा जेई में नहीं आया, मेरे बोर्ड में 6 मार्क्स नहीं आए तो भी हारो मत, अभी लड़ाई जारी रखो। याद रखो एक मोर्चे पर हारना जंग हारना नहीं होता, लड़ते रहो जीतो। और दोस्तों मैं हमेशा से कहता हूं कि कुछ ऐसे आइडियल लोगों से आप इंस्पायर हो जाओ जो आपकी लाइफ को एक प्रॉपर दिशा दे पाए। नितेश कुमार जांगी, ये नाम आप लोग सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। ये भी एक बेंगलोर बेस्ड इंजीनियर है। दोस्तों इन्होंने कमाल का काम किया, इन्होंने एक ऐसी मेडिकल डिवाइस बनाई है जो न्यू बॉर्न बेबीज को ब्रीद करने में हेल्प करे। बहुत सारे बेचारे बच्चे ऐसे जो पैदा होते ही जीवन को स्टार्ट करते ही, लाइफ को स्टार्ट करते ही खो देते हैं, उनके लिए ये डिवाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग बन के आ रही है। एंड थैंक्स टू नितेश कुमार जांगिर जिन्होंने ये बनाया। सर्च करो ऐसे बनो, हमारे देश को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है। करियर बनाओ, सोचो, भिड़ो, हम आपके साथ। इस बुलेटिन में हमने बात करी जो एडवांस के पेपर के बारे में, आपको ड्रॉप करना चाहिए नहीं, जो मैंने कहा उस बात को ध्यान से देखिएगा। मैंने बात करी आईटी जैम के बारे में, मैंने बात करी DIFR के बारे में, मैंने बात करी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में। दोस्तों अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये ऐसे चलता रहेगा, हर फ्राइडे आपके सामने हम एक बुलेटिन लेकर आएंगे जिसमें आप अगर कुछ जानना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर करियर के बारे में तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा और अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज़।